आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर, किस मूवी का बताएंगे, मौज़म सैम बहादुर का। और भाई अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो उसे डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है रोनी स्क्रूवाला। और स्टार कास्ट में है विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख है, नीरज काबी, एडवर्ड है, गोविंद नामदेव, मोहम्मद जिशान है और बॉबी अरोड़ा है। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का रोशन आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए लोकेशन का लिंक भी मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड़े खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या सोचा तुमने इस बारे में? टू द आर्मी। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बंबई की है, दिल्ली में काम करता हूँ। शायद इससे प्रीपार्टीशन क्या हो सकता हूँ? टू द इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं, कब बताने वाले थे? श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद मैंने मानेशा को लेकर जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल लूज कश्मीर। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते। कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नियत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। What do you plan to do? I will turn to General Manekshaw. क्या नया एंड रिपोर्ट में? Are you ready for this, Sam? ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है, आर्मी की नींव मत हिलाइए मिनिस्टर। याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा, और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। भाई ट्रेलर में सबसे पहले तो मैं विकी कौशल की बात करना चाहूँगा। भाई उनको जो एक टायर दिया गया ना, जो उनका गेटअप बनाया गया, टीजर में भी ये चीज़ मैंने देखकर कही थी कि भाई वो बहुत जो है ना हूबहू आप कह लेंगे जो सैम मानेकशॉ जी थे उनसे जो है वो मिलती जुलती है। और जो है बीच में मैं जो अभी ट्रेलर देखा है उसमें अगर डिस्कशन की जाए तो ये जो मोहम्मद अयूब हैं उनका जो करेक्टर दिखाया हुआ यह्या खान का, मोहम्मद जिशान अयूब उनका नाम है, तो जो है करेक्टर या खान का, तो पहले तो मैं जरा वहां पे जो ना थोड़ा सा हुआ, फिर ना मेरे ज़हन में कि ये प्री पार्टीशन से पहले से लेकर 1971 तक के जितना भी एक टेन्योर है वो सब को जो है बीच में दर्शाया जाएगा। अच्छा, इस मूवी के बारे में मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जब ये मूवी आएगी 1971 का जो एक मतलब इंसिडेंट था उसी से रिलेटेड आपको जो है वो मूवी पूरी देखनी, मुझे भी यही लगा था। लेकिन अभी जैसे टीजर ट्रेलर आउट हुआ है तो हम लोगों को ये को मिल रहा है आपको उनकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस जो है वो नजर आ रहे हैं, प्री पार्टीशन के भी और आफ्टर पार्टीशन के भी आपको स्टोरी जो नजर आ रही है। हाँ, मेरे लिए एक पॉइंट बड़ा मतलब चौंकने वाला था जहां पर उन्होंने बोला ना जिन्ना साहब ने आपको पाकिस्तानी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कहा, सो मुझे वहां पर ये मतलब कि ये भी ऐसा हुआ होगा वो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आईडिया नहीं। असल में आपको वहां पे लगा होगा कि शायद सैम मानेकशॉ को कहा है? हाँ, मुझे यही तो लगा कि वहां पे जिशान अयूब को कहा है क्योंकि वो बीच में यह्या खान का जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो 1971 की बात करें, 1947 से पहले जो ब्रिटिश आर्मी में जैसे मतलब भी उनका रोल रहा
रहा है. सो मेरे लिए ये काफी सारी चीजें जो है वो नहीं है. फिर उसके बाद जो 1971 का भी आपको दिखाया गया बीच में मेरे ख्याल में कि आपको नजर आएगा जो वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. लेकिन जो उनका एक मैं कहूँगी कि जो जिस तरीके से उन्होंने सारी जिंदगी अपनी गुजारी है, जिन असूलों पर उन्होंने जिंदगी गुजारी है, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, मुझे लगता है कि मूवी उसके बारे में ज्यादा है. यार मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इसमें खाली 1971 की वॉर की बात नहीं की गई, यहाँ पे आपको 48 का जो कॉन्फ्लिक्ट था आपको वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में श्रीनगर का जो है वो आपको एक नाम सुनने को जो है वो मिला है. कश्मीर भी तो बोला ना उन्होंने, श्रीनगर का ही है ना कि कश्मीर हाथ से चला जाएगा. फिर उसके बाद बीच में आपको मुझे लगता है कि 1965 की जो एक वॉर हुई आपको वो भी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो गोविंद नामदेव जी जो है एक झलक जो है उनकी दिखाई गई है, लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं. तो अगर देखा जाए तो जहाँ तक मुझे समझ लगी कि इंडिपेंडेंस से पहले लेकर पार्टीशन से पहले की लेकर 1971 तक जितना कुछ भी हुआ है ना इस मूवी में वो आपको जो है उनकी लाइफ में देखने को मिलेगी. और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो भाई काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है ना आपको दिखाए गए हैं. कॉन्फिडेंट भी, और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि हर एज ग्रुप के लिए हर एज का जो फेज है उनका वो दिखाया गया है. और जिस तरीके से वो बात करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, जिस तरीके से वो मतलब अपनी बात रखते हैं, वो भी ये चीज़ दिखाई गई. एक चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंदिरा गांधी जी का रोल किया गया फातिमा सना, हाँ जी, वो मुझे इतना ज़्यादा ना मतलब उन पे सूट करता हुआ नहीं लगा. लाइक उनके नो डाउट फेस एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, बट अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से बात करें तो मुझे इतनी मैच्योर नहीं लगी. यार मेरा ख्याल है कि भाई एक सही उन्हें लिया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो यंग एज दिखाई गई है ना इंदिरा गांधी जी की, तो उस लिहाज से जो है ना अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल सही ले गए. क्योंकि अगर बाद की अगर बात की जाए तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई अगर लारा दत्ता जी या कंगना रनौत जी जो है अगर उनमें से, क्योंकि उन्हें इन्हें हमने देखा है ना जरा, तो अगर इन्हें लिया जाता ना तो वो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हो जाता. लेकिन क्योंकि अगर मैं फातिमा सना शेख की बात करूं तो क्योंकि एक यंग एज उनकी दिखाई गई हुई है बीच में, तो उस लिहाज से क्योंकि अगर उसमें भी आप देखें ना तो स्टार्टिंग में कुछ उनके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े डिफरेंट है, बाद में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट शो किया गया है. बिल्कुल मैं उस चीज से एग्री करूंगी कि वो यंग एज है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो मुझे जिस तरह अगर हम लोग इंदिरा गांधी जी की अगर जो वेब सीरीज में भी देखते हैं उनकी यंग एज दिखाई गई है और उसमें उन एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फील होती है. सो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करी, बाकी ऑब्वियसली हर किसी का अपना ओपिनियन रहता है. और इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर बात करूंगी कि एक बहुत ही जो एक फेमस डायलॉग भी मतलब इस मूवी ट्रेलर में हमें देखने को मिला कि जो मेरा काम है वो मुझे करना है, मुझे मुझे जो है सोल्जर की ट्रेनिंग मिली है तो मैं वो करूंगा, आपको जो है राजनीति की मिली है तो आप वो राजनीति करें. सो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग जो है वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे. और आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो कि काफी हम कहेंगे कि नई होंगी हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको स्पेशली हिस्ट्री से रिलेटेड काफी चीजें नहीं आइडिया है. सो मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर हैं इसकी मेघना गुलजार, उन्होंने ऑलरेडी बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई थी राजी. हाँ राजी, और उसमें भी विकी कौशल थे, और तब मैं विकी कौशल को तब मतलब क्या कहूँगी कि जो कहते हैं ना कि आप हाईलाइटेड, हाँ हाईलाइट हुए थे मेरे लिए कि भाई ये एक्टर. और लेकिन उस टाइम पर मतलब मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन अब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा मूवीज देखी हैं उनकी तो उनके बारे में अब जानने को मिला. लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ही फाइन एक्टर हैं, स्पेशली इस मूवी में जिस तरीके से उन्होंने ये रोल प्ले किया है कमाल का, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग्स, इवन उनके जिस तरीके से देखने का एक आप कह लो कि जो तरीका है वो, फिर जो उनका बॉडी पॉस्चर है, सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है. और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा जो है आपको हर सीन के साथ देखने को मेरा शंकर सान लॉय का जो है ये म्यूजिक है, तो भाई ऑब्वियसली उनका म्यूजिक जो है वो अच्छा होता है. सो गाइस आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, और इससे गुड बाय.